एक्सपीरियंस। जब चैती मेला शुरू हुआ था उस समय जो ये हलवा और पराठा है ये मिल रहा था 160 रुपए किलो, और अब इसका मूल्य हो चुका है एक। तो दोस्तों आज पहली बार ऊँट की सवारी हो रही है चैती मेले में। इसकी लस्सी मथुरा वृंदावन की लस्सी, मथुरा वृंदावन की भैया कान्हा जी की लस्सी आ रखी है, स्पेशल लस्सी। तो अयांश आज पहली बार इस चैती मेले में आया है भैया। ये है माँ बाल सुंदरी का मंदिर और भीड़ तो अभी काफी है चैती मेले में। लेटेस्ट अपडेट तैयार हो रहा है, 4 तारीख रात का टाइम हो रहा है अभी 9:05। डूब कैसा लग रहा है? बाल सुंदरी मंदिर के प्रांगण में अन्य देवी देवताओं को विस्थापित किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी, श्री राम जी, राधा माधव जी, श्रवण कुमार जी के सुंदर मूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं। और प्रसाद की मात्रा देखिए, ये सारा चढ़ावा चढ़ रखा है यहाँ पर, चैती मेले के दौरान का चढ़ावा ये सारा। लोगों की अपार आस्था है इस मंदिर में और चैत्र नवरात्र से ये मेला शुरू होता है और लगभग एक माह तक निरंतर चलता रहता है। तो चढ़ावे की मात्रा से आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी अपार श्रद्धा है माता रानी के प्रति। ले ले तो हम जा रहे हैं, चलो 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 चलो। और मंदिर प्रांगण की ये स्थिति है, ज़्यादा भीड़ नहीं है इस समय। और ये है माँ बाल सुंदरी देवी जी का मुख्य मंदिर। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भगवती। कपाट बंद कर दिए गए हैं, लोग बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं माता रानी के। चैती मेले में हर साल लकड़ी से बना हुआ सामान आता है और लोग इस सामान को बहुत मात्रा में लेते हैं। तो ये देखिए पूरा लकड़ी का बना हुआ है और काष्ठ कला का एक उत्तम उदाहरण आपको इस मेले में देखने को मिल सकता है। ये देखिए पूरी गाड़ी बना रखी है लकड़ी की, इस पूरी शॉप में जो है लकड़ी का बना हुआ सामान रखा हुआ है। सही है भैया, इसका प्राइस कितना है? 350। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, घर में जैसे ड्राई फ्रूट्स रखने हो किसी के लिए सर्व करने हो या सौंफ रखनी हो, मिश्री रखनी हो, 350 प्राइस है इसका। और लकड़ी का बना हुआ है, अंदर स्टील का है, प्लास्टिक का नहीं है। बहुत ही शानदार संरचना इसकी। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर अयांश के लिए एक छोटा सा बैग, जब इसको कहीं ले जाता है ना बाहर मार्केट या कहीं हॉस्पिटल में टीकाकरण के लिए, तो उस समय इसकी एक पानी की बोतल और इसके लिए कुछ फ्रूट्स आ सकें, जिसमें छोटा सा बैग ढूंढ रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसको बोल रहे हैं 150 रुपीज़ का, सही है वैसे तो कंधे में टांगा। चलो जी मार्केट। तो अयांश आज पहली बार इस चैती मेले में आया है भाई, उसका पहला चैती मेला है और बहुत एंजॉय कर रहा है वो यहाँ, है ना?
तो जरा सबके लिए प्रणाम बोल दे एक बार, सबके लिए नमस्कार, हाँ हेलो कर दो सबके लिए, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है बोलो आपका काशीपुर के चैती मेले में। और चैती मेला अब समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी भीड़ काफ़ी है। हमने तो सोचा कि यहाँ भीड़ कम होगी, लेकिन अच्छी खासी भीड़ है अभी भी लोगों की। क्रॉकरी का तो इतना सामान आ रखा है ना चैती मेले में, बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए कितने ढेर सारे कप रखे हैं, बड़े बड़े कप, एक एक से कलर मिल जाएंगे आपको, एक एक से रंग मिल जाएंगे आपको, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर सिलबट्टे ही सिलबट्टे रखे हुए हैं और हाथ की चक्की भी। ये जो आप सिलबट्टा देख रहे हैं ये वाला, इसका प्राइस है 260 रुपये। भैया एक बार और भाई, ए मेरी मथुरा वृंदावन की लस्सी मलाई। किसकी लस्सी? मथुरा वृंदावन की लस्सी, मथुरा वृंदावन की। भैया कान्हा जी की लस्सी आ रखी है, स्पेशल लस्सी चैती मेले में। ये देखिए शानदार लस्सी, कितने रुपए का गिलास है भैया? 30 रुपए का प्योर लस्सी, बहुत बढ़िया। तो दही तो काशीपुर की होगी, ये कहाँ की? दिल्ली चाट भंडार की। अच्छा, अरे बड़ी भैया, भैया बढ़िया चिल्ला रहा है, डरा दे रहे हैं सबको। लस्सी मलाई, लस्सी मलाई। ये देखिए यहाँ पर बन रहे हैं, हाँ ये देखिए कितने बड़े बड़े पराठे बन रहे हैं। उधर चल रहा है कार्यक्रम बनने का, और ये है गर्मा गर्म तेल और भट्टी, और ये देखिए बना हुआ है ये पराठा, और ये है हलवा, शानदार हलवा। तो इसके बहुत शौकीन लोग आते हैं भैया यहाँ मेले में, पकौड़ी खाने के, हलवा खाने के और पराठा खाने के। तो ये बहुत बिकता है चैती मेले में। मेले के इस वाले हिस्से में ना सबसे ज़्यादा भीड़ है इस समय, ज़बरदस्त भीड़ झूलों के आसपास। और इस भीड़ में बच्चों के खोने का भी डर रहता है, तो इस वजह से अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें जब भी आप आज या अगले साल चैती मेले में आए। इधर अभी फुल भीड़ है, फुल। दस मिनट में फोटो तैयार। मेले में जहाँ पर एक खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, शानदार भीड़। और ये आ गए भैया बड़े बड़े जाइंट व्हील में, बड़े बड़े झूले लगे हुए, और ऊँट की सवारी तो बहुत कर लोग कर रहे हैं यहाँ भाई। ऊँट जो है चैती मेले का मुख्य आकर्षण बना हुआ है, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं ऊँट में। We'll be right back.
अपनी मम्मी के साथ जा रही हैं इस झूले में झूलने के लिए, और मुझे तो झूलों से वैसे भी डर लगता है तो इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। देखिए ये आ गई, इसको बहुत शौक है झूलों में झूलने का। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर बढ़िया पॉन्ड बनाया गया है, तालाब बना रखा है एक छोटा सा, और छोटे छोटे बच्चे इसमें बोटिंग कर रहे हैं। तो अभी हम खरीद रहे हैं घर के लिए एक चकला बेलन। कौन सा किया सेलेक्ट? हाँ ये सही है, सही है। हाँ हल्का सा था, हल्का सा था। कौन कह रहा है कि चैती मेला समाप्त होने वाला है? आपको इस भीड़ को देखकर लगता है कि चैती मेला अभी इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ ये भी देखिए, ये भी लकड़ी का बना हुआ है। इस तरह से पकड़ते हैं इसको हाथ में, और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं ना जो हमारे हाथ में, उनको दबाने के लिए है ये। 150 रुपये बता रहे हैं इसका प्राइस। इस तरह से कर सकते हैं आप इसको, लग तो अच्छा रहा है। ये 200 रुपये के ट्रे है जो वंदना के हाथ में है, 200 शीशम की लकड़ी। सामान तो बहुत सारा है और अधिकांश लकड़ी का ये है इस शॉप में। जब चैती मेला शुरू हुआ था उस समय जो ये हलवा और पराठा है ये मिल रहा था 160 रुपये किलो, और अब इसका मूल्य हो चुका है 120 रुपये किलो। तो आप देख सकते हैं जब मेला समाप्त होता है तो उसके बाद वस्तुओं के जो दाम है वो निरंतर कम होते जाते हैं। चलिए अब आज के इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, और ये चैती मेले का हमारा अंतिम ब्लॉग है क्योंकि अब चैती मेला भी समाप्त होने वाला है कुछ ही दिनों में। भीड़ अभी भी लगातार बढ़ रही है, तो यदि आपका भी मन है चैती मेला घूमने का तो आप भी अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ अवश्य आइए इस मेले को देखने के लिए। तो चलिए, आप सभी पर माँ बाल सुंदरी का आशीर्वाद निरंतर बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।